वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब हम वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, बोथ साइड से हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो अंडर रूट एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स की पावर 1/2 है, तो हम यहाँ पे चाहें तो एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो कोफिशेंट बन जाएगी और एक्स की पावर में से -1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 -1। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की पावर 1/2 -1 आपका हो जाएगा 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा। अब एक्स की पावर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2x^2, और हमें पता है कि एक्स की पावर हाफ का मतलब होता है 1/2 √x, यानी कि जब भी हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा d/dx(√x), तो हम चाहें तो डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम फॉर्मूले के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू √x। इसका भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम √x को कन्वर्ट कर देंगे पावर में, √x का मतलब होता है x की पावर 1/3। फिर इस पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि जो पावर है वो कोफिशेंट बन जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 x^3 - 1 आपका हो जाएगा 1 - 3/3, विच इज़ इक्वल टू 1/3 x^-2/3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा ये, तो हम चाहें तो इसको यहीं तक यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x^2/1/3, क्योंकि हमें पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो 2 को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 2/3 बन जाएगा। तो अब हम ये करेंगे इसको फर्दर कि x^2 की पावर 1/3 है, और पावर अगर किसी चीज़ की 1/3 होती है तो इसका मतलब होता है कि ये √ है, तो हो जाएगा √x^2। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है y इज इक्वल टू x√x। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा x/(x^2)/1/2, तो x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा आपका x^(3/2), 1 + 1/2 आपका 3/2 हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बोथ साइड से हम d/dx अप्लाई कर देंगे, तो x^(3/2) जो है वो कोफिशेंट बन जाएगी और पावर में से आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो 3/2 - 1 आपका 1/2 होता है, और इसको चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं √x। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/√x। तो y इज इक्वल टू 1/√x है,
अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 है, और ये एक्स की पावर 1/2 जब ऊपर आएगी तो हो जाएगा ये एक्स की पावर -1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जो एक्स की पावर है -1/2 वो कोफिशेंट बन जाएगा और एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा 1/2। और -1/2 -1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3/2। इसी तरीके से इस आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा आपका -1/2 x^3/2। और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा -1/2 x^3/2। ये 3 है और ये 1/2 है, 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा वापस। और इसको फिर 1/2 अगर होता है पावर तो हम इसको स्क्वायर रूट के तौर पे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1/2 √x^3।